नमस्कार जी, अटल परमार जी है गुरदेव हॉस्पिटल रूपनगर जी तो। बेसिकली डॉक्टर साहब जिवें फिस्तुला हुंदा, जिवें पेशेंट दे लैटरिंग वाले रस्ते विच फिंसी हो जाती है, जाके वरी पेशेंट नूं लगदा वी ये मेरे फोड़ा हो गया जां फिंसी हो गई, दर्द हो रहा, पस पै गई। पेशेंट की करदा है, दवाई खा लैंदा, ठीक हो जाता है, तो पेशेंट नूं वी नहीं पता हुंदा वी ये फिस्तुला है। तो वह पेशेंट फिर जिवें अज फिंसी हो गई, 6 महीने बाद फिर दुबारे हो गई, 3 महीने बाद फिर दुबारे हो गई, वो पेशेंट को किवें पता लगे भी उन्होंने फिस्तुला आया तो उन्होंने वह ऑपरेशन कराना चाहिए जो नहीं कराना चाहिए? अगर कोई फिंसी बड़े लंबे समय से है, ठीक नहीं होती है, बार बार ठीक हो जाती है, फिर दोबारा से पस निकलता है, उसमें पीक निकलता है, तो वो फिशुला हो सकता है। कितना एरिया सर होता है वो, मतलब कि जहाँ पे मतलब ये फिंसी होती है? ये आपका जो पॉटी का रास्ता है उसके आसपास ही होगी, ठीक है, उससे 10 सेंटीमीटर दूर भी हो सकती है, बिल्कुल नेड़े भी हो सकती है। ठीक है। तो ये दवाइयों से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, इसका इलाज तो ऑपरेशन ही है, ऑपरेशन से ठीक होती है। 2-3 प्रकार से होता है इसका ऑपरेशन, ठीक है। बाकी इसमें काफ़ी एहतियात भी रखना पड़ता है, सिकाई करनी पड़ती है, गर्म पानी से दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, लेकिन ये ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक ना हो, ये बिल्कुल ठीक भी हो जाती है। कई बार कोई ऑपरेशन करा भी लेते हैं फिर भी ठीक नहीं होते, वो रीज़न क्या होता सर इसमें? रास्ता कोई रह जाता है उसमें से? फिशुला सर जैसे बन गया एक बार, वो ऐसे होता है जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं, ठीक है सर। तो आपने कुछ जड़ें निकाल दी लेकिन पेड़ फिर भी फूट सकता है। उसी प्रकार अगर छोटा सा भी इसका अंश रह जाए तो ये दोबारा बढ़ सकता है। तो ठीक उससे है। हम कैसे बच सकते हैं कि हम एहतियात रखें, सफाई का ध्यान रखें, दवाई रखें। छोटा सा ही अगर ऑपरेशन के बाद छोटी समस्या हो रही है तो उसको बड़ा ना होने दें, जल्दी दिखाएं अपने डॉक्टर को। जितना लंबा रखेंगे या मतलब नहीं ऑपरेशन जल्दी हाँ, कराएंगे जितना आप ज़्यादा इसको पालते रहेंगे उतना बढ़ता रहेगा उसके ये। रास्ते ज़्यादा बन जाएंगे। हाँ, उसकी टहनियाँ उतनी ही उगती जाएंगी और फिर वो उसको ठीक करना भी उतना ही मुश्किल होता जाएगा। इसके भी ग्रेड होते हैं जैसे बाकी बीमारियों के होते हैं, ग्रेड 1 सरल होता है, उसमें एक ही टहनी होती है, ग्रेड 2 में और ज़्यादा होती हैं, 3 होता है, 4 होता है। ये रास्ता एक लैटरिन के अंदर हो जाता है एक बाहर होता है? ये आप मान लें कि जैसे लेटरिंग का रास्ता भगवान ने बनाया है, उसी प्रकार का एक छोटा रास्ता साइड से बन गया जो लेटरिंग के रास्ते को बाहर खाल से जोड़ रहा है, तो इसमें अंदर से लेटरिंग से कीटाणु आते रहते हैं, तो ये दवाइयों से कभी ठीक नहीं हो पाता क्योंकि लेटरिंग के कीटाणु दवाई से ख़त्म नहीं किए जा सकते, तो रास्ते को ही ख़त्म करना पड़ता है हमें, तभी ठीक होती है बीमारी। ठीक है। बेसिकली ज़्यादा करके क्या लोगों की आदत है भी उनको लगता है भी ये बाल तोड़ हो गई है, कोई बाल खिंच गया होगा उसकी वजह से फिंसी बन गई है, क्योंकि आम लोगों को नहीं पता चलता इसका कब्ज से तो कोई लेना देना नहीं है। नहीं सर, कब्ज से इसका लेना देना है। अच्छा, कब्ज की वजह से, कब्ज ही मेन कारण है जिसकी वजह से फिशुला बनने का प्रारंभ होता है। कब्ज से इन्फेक्शन होगा, चोट लगेगी, पहले फिशर होगा, छोटा जख्म बनेगा, वो ठीक हो जाएगा, फिर दोबारा बन जाएगा, लापरवाही रखेगा, सफाई नहीं रखेगा मरीज, तो उससे आगे ये फिशुला हमारा बन जाता है। और ये हेमरोइड से अलग चीज़ है ना? हाँ, बवासीर से ये अलग है, बवासीर में हमारी खून की नसें फूलती हैं, उनमें खून का ज़्यादा बहाव होता है, ज़्यादा आता है, इसमें भी खून आता है लेकिन इसमें पस ज़्यादा आता है, पीक ज़्यादा आता है, और उसका इलाज अलग है, उसका इलाज फिर भी बार बार नहीं कराना पड़ता है, इसलिए थोड़ा लंबा चलता है फिशुला जांच, का इलाज। सिंपल जांच से भी पता चल जाता है फिस्तुला है इसको? सिंपल आप अपने अगर सर्जन है कोई, उनको दिखाते हैं तो वो देख के जांच करके बता बता सकता है सकते कि इसको फिशुला है। उसके लिए आपको कोई ब्लड टेस्ट कराने की, कोई कोई भी खून का टेस्ट हाँ कराने की या कोई CT MRI कराने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। लेकिन इलाज के लिए हमें कराना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड या MRI कराना पड़ता है। ठीक है। ये है हमारे डॉक्टर साहब, बेसिकली जो फिस्तुला डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो एक रास्ते के टट्टी वाले रास्ते से अंदर से सुराख होके बाहर आ जाता है, उसकी वजह से ये दिक्कत आती है। बेसिकली जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी आप इलाज कराओगे तो डॉक्टर साहब कहते हैं इसको जल्दी ठीक किया जा सकता है, अदरवाइज़ जैसे इसकी जड़ें बढ़ती रहेंगी तो ये बीमारी बढ़ती जाएगी और इसका फिर आगे जाके मुश्किल भी होता है, बार बार भी ऑपरेशन करना पड़ जाता है कई बार। इसलिए धन्यवाद, ये चीज़ें हम आपको ऐसे ही हफ्ते में एक बार ही बताते रहेंगे। नमस्कार।